साल 2020 के अप्रैल माह में कोरोना वायरस अपने पीक पर था। इसी दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को संभालने वाली पुलिस सड़क पर कोरोना वॉरियर के रूप में जंग लड़ रही थी। वहीं इंदौर में तो कोरोना ने उस वक्त इतना कोहराम मचाया था कि परिवार के लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अन्य कोविड नियमों का सख्ती से पालन कर रहे थे। वहीं उस दौरान इंदौर के जुनिंदौर थाना क्षेत्र टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी दिन रात अपनी ड्यूटी दे रहे थे, लेकिन अचानक वो वायरस की चपेट में आ गए और उसके बाद कुछ समय तक कोरोना से जंग लड़ते हुए वो शहीद हो गए। दिवंगत थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी के अचानक चले जाने से पूरे पुलिस महकमे में शोक का माहौल बन गया था। दरअसल कर्तव्यनिष्ठ शहीद टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी के चले जाने के बाद उनकी यादों को इंदौर पुलिस विभाग ने समेट कर रखा है। उनके निधन के 2 साल बाद आज उन्हें जुनिंदौर थाना परिसर में श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में थाने का पुलिस बल, नगर सुरक्षा समिति के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और इंदौर पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। मंगलवार शाम को थाना परिसर में श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस कमिश्नर इंदौर हरिनारायण चारी मिश्र भी पहुंचे और उन्होंने जाबाज देवेंद्र चंद्रवंशी को याद करते हुए कोरोना की जंग में अपनी जान देने वाले सिपाहियों और अन्य अधिकारियों को याद किया। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि कोरोना काल बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है और पुलिस के कई बहादुर जवानों ने चुनौती से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन योद्धाओं में जुनिंदौर थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी सबसे आगे थे। उन्होंने एक एकजुटता और जीवटता के साथ कोरोना के प्रथम दौर को झेला और एक उदाहरण पेश किया, लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि आज उनकी याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। वहीं उनके बाद 8 से 9 जवानों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस मौके पर आज सभी को याद किया गया। हम जानते हैं कि पिछला कोरोना का समय बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा और हमारे कई जो हमारे बहादुर जवान हैं इस चुनौती से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दिए। इसमें जुनिंदौर थाना के थाना प्रभारी देवेंद्र जी सबसे उसमें उन योद्धाओं में सबसे आगे थे। उन्होंने बड़ी एकजुटता के साथ, बड़ी जीवटता के साथ कोरोना के प्रथम दौर को झेला और एक उदाहरण पेश कर किया और साथ ही साथ इस पूरे अभियान में, इस पूरी लड़ाई में उन्हें अपने प्राणों की आहुति दी। आज उनके याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और फातिफात इस तरह आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके 8 से 9 जवान थे जिन्होंने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर हमने सभी लोगों को आज याद किया और मुख्य तौर पर इस तरह की चुनौतियों में पुलिस हमेशा आगे रही है। अग्रिम पंक्ति में पुलिस ने हमेशा इस तरह के चुनौतियों में आगे बढ़ करके नए कीर्तिमान बनाए हैं और उस अवसर पर पूरा अपने हम जो हमारे पुराने ऐसे 8 से 9 हमारे 9 जो जवान हैं उनको हम याद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।